नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज 5 अगस्त का दिन है, मेरे हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रवाद का दिन है। आज के दिन 2 साल पहले मेरे जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियां हट गई थी। आज मेरे हिंदुस्तान का नया कश्मीर राष्ट्रवाद की प्रखर धारा में तेजी से बदल रहा है। और 5 अगस्त के शुभ दिन देखिए, आज हिंदुस्तान की हॉकी टीम में 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है। यह दोहरी खुशी है। तो दूसरी तरफ हरियाणा के पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान के माथे पर राष्ट्रवाद का तिलक लगा दिया है। मैं सरफराज सैफी 5 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को मेरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा दिन मानता हूं, शुभ दिन मानता हूं। जिस दिन लोगों ने धारा 370 को लेकर मेरे हिंदुस्तान को ब्लैकमेल किया, जो विपक्षी दल धारा 370 के मायूस होने पर वो कितने दिल जले हैं, मैं वो भी समझ सकता हूं। मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि 5 अगस्त के दिन यानी शुभ दिन भी विपक्षों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, यानी उनके चेहरे पूरी तरीके से भुजे हुए हैं। मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद में सबसे पहले भुजे चेहरों की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा टोक्यो ओलंपिक में भारत की राष्ट्रवादी जयघोष की, मेरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की जिन्होंने हॉकी में सिल्वर मेडल देश के नाम किया। वहीं हरियाणा के शेर रवि दहिया ने भी देश के नाम मेडल हासिल किया। राष्ट्रवाद की असली तस्वीर देखिए, जो मेरे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में परचम लहराया हुआ है राष्ट्रवाद का। आज का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के समान एक खुशी का दिन है। पांच अगस्त के दिन नए कश्मीर को हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का तोहफा। पांच अगस्त के दिन नए कश्मीर से लेकर टोक्यो तक जय राष्ट्रवाद। पांच अगस्त का दिन हिंदुस्तान के युवा जोश के संकल्प का दिन। थैंक यू सर, आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। हम खुश हैं जी, बहुत सेकंड पोजीशन आने में भी जो हमारे गांव में के खालीपन था, बच्चों को भी इंस्पायर करेगा काफी। भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। खुले बाजुओं से हिंदुस्तान स्वागत कर रहा है 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख का। शुभता के जैसे सारे दरवाजों से हिंदुस्तान के मस्तक पर सुनहरे सूरज की रोशनी उतर रही। नए कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान के हर हिस्से में रवानी थमते नहीं थम रही। जैसे 5 अगस्त के कश्मीरियों के खास दिन के मौके पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने कश्मीर को 1000 तोहफे दिए।
5 अगस्त का दिन मेरे हिंदुस्तान के लिए शुभ है, 5 अगस्त का दिन मेरे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है, तो साथ ही 5 अगस्त का दिन मेरे हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रवादी उद्घोष का दिन भी है। मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ और 5 अगस्त धारा 370 को खत्म किए 2 साल पूरे हो गए और कश्मीर के हर गली शहर चौक चौराहों पर तिरंगा शान से आज लहरा रहा है, इसकी शान आज यहाँ देखते बन रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके से ओलंपिक में इतिहास रचा है और जीत दर्ज कराई है, उसकी भी शोर आज इन कश्मीर की वादियों में गूंज रही है। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने राष्ट्रवाद का जय घोष किया, तो कन्याकुमारी से लेकर मेरे कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर की तो बात ही क्या कहें, धारा 370 के खात्मे का सेलिब्रेशन कश्मीरी भाई बहनों के लिए चौगुना हो गया। राष्ट्रवाद की धारा यही तो है, राष्ट्रवाद का जयघोष यही तो है, राष्ट्रवादी चमक यही तो है जो राष्ट्र के गद्दारों और गुपकारों की आंखों में चुभती है। कुछ ही शब्दों में जो हमने कीर्तिमान देखे, तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। संकल्प से क्या कुछ नहीं बदलता, ये देश ने देखा है। कश्मीर से धारा 370 हटाना भी एक मजबूत संकल्प का हिस्सा था, तो भारतीय हॉकी टीम का लड़खड़ा कर संभलना और ब्रॉन्ज जीतना भी उसी मजबूत संकल्प का परिणाम था, क्योंकि दुनिया में नंबर 3 की रैंक रखने वाली भारतीय हॉकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन राष्ट्र को मेडल दिलाने के संकल्प के भरोसे हॉकी टीम इंडिया ने दूसरे क्वार्टर में शानदार वापसी की और भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 के अंतर से हराया। भारत की तरफ से सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे, तो रुपिंदर पाल सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल कर हिंदुस्तान के सिर पर जीत का सहरा बांध दिया। भारतीय हॉकी टीम ने आज से ठीक 41 साल पहले 1980 में मॉस्को में ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता था और आज एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और 5 अगस्त के दिन यानी कि ये जो ऐतिहासिक दिन है इसको और खूबसूरत बना दिया, वो मेडल देश के नाम किया। एक तरफ 5 अगस्त यानी कि 370 से कश्मीर की आजादी का दिन हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस जश्न में 4 चांद लगा दिया। एक तरफ हिंदुस्तानी टीम ने टोक्यो में राष्ट्रवाद का परचम लहराकर हिंदुस्तान का सिर फक्र से ऊंचा किया, तो दूसरी तरफ कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का सालाना सेलिब्रेशन भी राष्ट्रवादी उद्घोष के साथ परवान चढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे भारतीय हॉकी संघ और उस टीम को बहुत बहुत बधाई और पूरे देश को भी बधाई। भले ही हम ब्रॉन्ज जीते हों, लेकिन फिर भी ये एक 40-41 वर्ष बाद जो जीत हासिल हुई है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले समय जब इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में भारतीय हॉकी टीम उतरेगी तो वो गोल्ड भी जीतेगी। पांच अगस्त यानी कश्मीर डे पर कश्मीरियों की झोली में सेलिब्रेशन की दोहरी खुशी गई। हॉकी के बाद टोक्यो ओलंपिक में निगाह जमी थी हरियाणा के रसलर रवि दहिया पर। हरियाणा के सूरमा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कैटेगरी में रूसी पहलवान जबूर उगवेव को जबरदस्त चुनौती दी। रवि ने पहले पीरियड की शुरुआत में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली थी।
लेकिन फिर रूसी पहलवान ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर को 4-2 कर दिया। एक समय में जबूर उगवे 7-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन रवि दहिया ने 2 पॉइंट और हासिल कर सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। ये जो कुश्ती है उसकी मैंने तब कोई पिछले जन्म का भी थी, कोई तपस्या कर रहा थी उसको भगवान, बाकी अच्छा कल रेसलर था वो भी, हम खुश हैं जी बहुत, सेकंड पोजीशन आने में भी और अच्छा लड़ा जी। गांव को पूरी उम्मीद थी और हमको भी जिस हिसाब से मैच करी है कि मेडल की पूरी आश थी, हमने भी है की गोल्ड मेडल लेके आएगा और कल भी उसका सिल्वर पक्का हो गया था और अब तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि जो हमारे गांव में एक खालीपन था बच्चों को भी इंस्पायर करेगा काफी। राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रवाद का संकल्प जीता, चमकती चांदी हिंदुस्तान के खाते में गिरी और इसलिए नए कश्मीर के साथ ही पूरे देश के लिए 5 अगस्त का दिन बेहद शुभ और खास हो गया।